आइए आज हम एक और न्यू और बड़ा इन्फॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट लेते हैं, दैट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन दैट 99.9% ऑफ बेस सीक्वेंस अमंग ह्यूमन इज द सेम। एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज 3×10⁻¹ बेस पेयर, इन हाउ मैनी बेस सीक्वेंसेज वुड देयर बी डिफरेंसेस? इट इज दीज डिफरेंसेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच मेक एवरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटिपिक अपेयरेंस। 99.9% बेस सीक्वेंसेज ह्यूमन में सेम होती हैं, और तकरीबन 3×10⁻¹ बेस पेयर हैं तो कितने डिफरेंसेस होंगे? और यही डिफरेंसेस जो डीएनए के हैं, ये हर एक इंडिविजुअल को अपने आप में एक यूनिक बनाते हैं। देखने में आप देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है। इफ़ वन एम टू फाइंड आउट जेनेटिक डिफरेंसेज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और एमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, सीक्वेंसेज ऑफ द डीएनए एवरी टाइम वुड बी अ डाउंटिंग एंड एक्सपेंसिव टॉस्क। अगर हम ये चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से क्या क्या डिफरेंसेज हैं, तो फिर हमें हर एक का डीएनए जो है वो स्टडी करने पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत एक्सपेंसिव और बहुत मुश्किल काम एक माना जाता है। इमेजिन ट्राइंग टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ 3×10⁻¹ बेस पेयर्स। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंजन। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये एक बहुत ही तेज़ तरीका है जिससे हम डीएनए की सीक्वेंस को समझ सकते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन डीएनए सीक्वेंस। डीएनए की सीक्वेंस में कुछ डिफरेंसेस, खास डिफरेंसेस को पहचान की जाती है, आइडेंटिफाई किया जाता है, और ऐसी सीक्वेंसेस को रिपीटिटिव डीएनए कहते हैं, क्योंकि इन सीक्वेंस में एक छोटे से डीएनए के स्ट्रेच में एक छोटा सा डीएनए स्ट्रेच मैनी टाइम रिपीट होता है। दीज रिपीटिटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीएनए। अब ये जो रिपीटिटिव डीएनए होते हैं, बाकी बल्क डीएनए से सेपरेट किए जाते हैं एज डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर टू एज सैटेलाइट डीएनए। बाकी को जो है सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन दैट इज ए एडिनोसिन थाइमिन रिच आर जी सी रिच, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटिटिव यूनिट्स, द सैटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इनटू मैनी कैटेगरीज। अब ये डीएनए जो है सैटेलाइट्स जो है, इनकी भी बहुत सी कैटेगरी जो है बनाई जाती हैं, सच एज माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट एक्सेट्रा। अब ये जो सीक्वेंसेस हैं, नॉर्मली किसी को कोड नहीं करती हैं किसी प्रोटीन को, लेकिन ह्यूमन जीनोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती है। दीज सीक्वेंसेस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब ये जो सीक्वेंसेस हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आगे जाके अभी बताऊंगा मैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, और पॉलीमॉर्फिज्म ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बेस बनती है।
सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू दैट इज ब्लड हेयर फॉलिकल स्किन बोन सेलिवा स्पर्म एक्सेट्रा फ्रॉम एन इंडिविजुअल शो द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दे बिकम वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन टूल इन फॉरेंसिक एप्लीकेशन. फॉरेंसिक एप्लीकेशन में इनका एक अहम रोल हो जाता है. फर्दर एज द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इनहेरिटेड होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग. अगर हमने किसी के फादर का पता करना है कि हु इज़ द रियल फादर ऑफ द सन, तो दैट इज कॉल्ड पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स. कई बार बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है कभी कोई क्लेम करता है, जी मैं उनका बेटा था, मैं उनका बेटा था, तो उनकी इसी फिंगरप्रिंटिंग के बेसिस पर जो है ये डिस्प्यूट सॉल्व की जाती हैं. और फिल्मों में भी आप ये जो चीज़ें देखते हैं और हकीकत में भी ऐसा हो रहा. एज पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट इज एसेंशियल दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म्स. पॉलीमॉर्फिज्म अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन. पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशन के कारण होता है, और म्यूटेशन मैंने पीछे आपको जो है पिछली वीडियो में बताया है. न्यू म्यूटेशन मे अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक और इन द जर्म सेल. इफ अ जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, इट कैन स्प्रेड टू द अदर मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन. नाउ कम्स एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. ये जो एलीलिक सीक्वेंस वेरिएशन आता है इसको नॉर्मली डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. इफ मोर देन वन वेरिएंट एट ए लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद ए फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01. इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन ए पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज रेफर्ड टू एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. सिंपल वर्ड्स में अगर इनहेरिटेबल जो इनहेरिट हो सकता है म्यूटेशन पॉपुलेशन में हाई फ्रीक्वेंसी पे देखी जाए तो उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. नाउ व्हाट इज द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जेफरीज. ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए, अभी हमने बात की, एज प्रोब दैट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जिसको हम शॉर्ट करके VNTR भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. द टेक्निक्स यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व्ड साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज ए प्रोब. इसमें क्या क्या आता था, इट इंक्लूड्स आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, डीएनए को अलग करना, डीएनए का डाइजेशन करना जब एंडोन्यूक्लियसिस को जाना रोक दिया जाए, डीएनए फ्रैगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरोसिस से अलग करना, ट्रांसप्रिंग जिसको ब्लॉटिंग भी कहते हैं, फ्रैगमेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स को सिंथेटिक मेम्ब्रेन से अलग करना, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय ऑटोबायोग्राफी एक्स्ट्रा. थैंक यू वेरी मच.